हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज में हिस्ट्री देख रहे हैं और इसमें एंशिएंट हिस्ट्री फिलहाल हम लोग कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री में लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुंग डायनेस्टी के बारे में बात किया था और उससे पहले हम लोग आउटसाइड इंडिया किस तरीके की पॉलिटिकल कंडीशन है और आखिर में क्या फॉरेन लोगों के बीच में वॉर हो रही है उसके बारे में हम लोग देखे थे और वहां पर हम लोगों ने डिमेट्रियस और मिनेंडर के बारे में बात किया हुआ था। आज के इस क्लास में हम लोग विद इन इंडिया ऑब्वियसली देखेंगे कि शुंग डायनेस्टी के अलावा और फिर इसके बाद कौन सी डायनेस्टी आती है। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुंग डायनेस्टी के बारे में डिस्कस किया था और हम लोगों ने देखा था कि उसका जो लास्ट रूलर था वो था देवभूति। इस देवभूति की हत्या करके अल्टीमेटली कांव डायनेस्टी आखिर में आती है और उस कांव डायनेस्टी के बाद अल्टीमेटली एक काफी स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी आती है जो कि लगभग 400 साल तक 400 ईयर्स तक ये अपना शासन करती है। तो बात करेंगे हम लोग आज का हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सातवां हन डायनेस्टी होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे कांव डायनेस्टी के बारे में कुछ वहां पर जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। But before that, these are our contact details and these are available courses on YouTube. These are Prelims Special, Mains Special and Test Series based on subscription. Last class में अगर देखें तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं end of Shunga Dynasty की। Shunga Dynasty के बारे में देखिए ये कहा जाता है पुराण में कि शुंग जो है टोटल 112 ईयर तक ये अपना शासन करेंगे, 112 साल तक शासन करेंगे, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। तो पुराणास में ऐसा कहा गया है। उसके बाद से अल्टीमेटली मतलब जो भी अर्थ है वो हो जाएगी कांडवास की, तो कांडव लोगों की हो जाएगी और ये कांडवास टोटल के टोटल 45 ईयर तक अपना शासन किए थे। ऑल दो कांडवास जो है वो पुराण मतलब कि जो शुंग है उन्हीं के अंडर में कमांडर बन करके शासन कर रहे थे, तो ये जो 45 ईयर्स है ये 112 ईयर में ही जुड़े हुए हैं कुछ साल इसके। सबसे पहले शुंग डायनेस्टी के अगर लास्ट रूलर के बारे में बात करें तो अराउंड 73 बीसी के दौरान में जो लास्ट रूलर देवभूति था उसकी हत्या कर दी जाती है वासुदेव कांव के द्वारा। वासुदेव कांव जो है वो इनका कमांडर रहता है, मतलब कि सेनापति रहता है और अल्टीमेटली जब वो देखता है कि देवभूति को कि एक वीक रूलर आ गए हैं और इनकी भी जो डायनेस्टी है वो बृहद्रथ को मार करके आई गई थी, तो इस तरीके से इन्होंने भी अपनी डायनेस्टी कांव डायनेस्टी वो जो है मतलब स्टार्ट किया। तो कांव डायनेस्टी देन रूल्ड ओवर मगध फॉर अबाउट 45 इयर्स जैसा कि पुराण्स में लिखा हुआ है। अराउंड दिस टाइम अनदर पावरफुल डायनेस्टी दैट इज द सातवाहन डायनेस्टी केम टू पावर इन द डेक्कन एरिया। तो ये बेसिकली राइज कर रही थी और राइज करते हुए ये लगभग इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई कि 400 इयर्स तक इसने शासन किया था। इसका जो इलाका था वो डेक्कन का इलाका था, यानी कि मेनली महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का एरिया था। अभी हम लोग देखते हैं कौन से एरिया है और उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे कांव डायनेस्टी के बारे में। एक छोटी सी चीज की आखिर में सातवाहन डायनेस्टी को सातवाहन क्यों बोला जाता है, बिकॉज यहां पर कहा जाता है कि इनकी जो सातवाहन है ये प्राकृत लैंग्वेज है और आप लोग को पता ही है कि मैंने दो लैंग्वेज बताई है, वन इज द पाली लैंग्वेज, अनदर वन इज द प्राकृत लैंग्वेज। पाली बुद्धिज्म के टाइम पे चलती थी और प्राकृत जैन के टाइम पे चलती थी, और प्राकृत जो थी वो सबसे रीसेंट बनती इस समय के लिए और इसीलिए प्राकृत डायनेस्टी ही मतलब प्राकृत लैंग्वेज ही आपको हमेशा लिटरेचर्स में देखने को मिलेगा इस टाइम के जो भी लिटरेचर्स होंगे। तो जो सातवाहन है इसका मतलब होता है ड्रिवन बाई सेवन हॉर्सेज एक्चुअली, तो सात घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाला, जो कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो सूर्य भगवान है गॉड सन है वो भी इसी तरीके के चरियॉट से मतलब कि सात घोड़ों की सवारी करते हैं अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैथोलॉजी। तो इसी वजह से इनका भी नाम सातवाहन कहा गया था। इनफैक्ट इनके झंडे में भी सन का ही फिगर बना होता है। कांव डायनेस्टी के बारे में अगर हम लोग डिस्कस किया जाए तो ये एक ब्राह्मणिकल डायनेस्टी थी। ये ध्यान में रखिएगा कि शुंग डायनेस्टी जैसे ब्राह्मणिकल थी वैसे ही कांव डायनेस्टी भी ब्राह्मणिकल डायनेस्टी थी, तो ऑब्वियसली ये भी बुद्धिज्म को कुछ ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं देंगे। तो कांव डायनेस्टी जो है वो एक ब्राह्मणिकल ओरिजिन है। द डायनेस्टी वॉज नेम्ड आफ्टर द गोत्र ऑफ कांव, मतलब कि वासुदेव कांव के द्वारा ये डायनेस्टी लगाई गई थी और वही बेसिकली कांव जो है इनका गोत्र होता था। मैंने आप लोगों को गोत्र के बारे में बोला था कि देखिए ऋग्वेद में ऋग्वेदास में 2-7 को लेकर के गोत्र मंडल इसको बोला जाता है, तो यही बेसिकली गोत्र
मंडल है जो बताया गया है, और एक गोत्र में जो भी काऊ है उनको लेकर के बनाया गया था कि एक गोत्र किस तरीके से, एक तरीके से आप बोल सकते हैं इट इज अ कुल और फैमिली। कार्वा डायनेस्टी जो है वो 72 बीसी से 28 बीसी तक थी, नियर अबाउट 45 ईयर्स तक इसने जो है अपना शासन किया, इन्होंने अपना रूल किया है। इस कार्वा डायनेस्टी में अगर बात किया जाए तो डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई वासुदेव कार्वा, एज वी ऑलरेडी नो ही रूल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड वॉज सक्सीडेड बाई भूमिमित्र। द अंपायर वॉज एक्सटेंडेड इन टू पार्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया, और इनकी जो राजधानी थी, इनकी जो कैपिटल थी, वो अगेन इन्होंने भी विदिशा ही रखी थी, जैसा कि शुंग डायनेस्टी ने भी अपना बाद में शिफ्ट कर लिया था पाटलिपुत्र से। यहां पर देखिए कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बट एक इंपॉर्टेंट चीज केवल यही है कि इनके कितने रूलर थे और कौन कौन से रूलर थे। तो इनके जो रूलर है मेनली वो चार रूलर है, एक का नाम वासुदेव है, दूसरे का नाम भूमिमित्र है, थर्ड वन इज द नारायण एंड फोर्थ वन इज द सुशर्मन। याद करने के लिए केवल बता दूं चारों के चारों नाम जो है वो विष्णु के ही हैं, मतलब कि गॉड विष्णु जो है हमारे उनसे, मतलब कि उन्हीं के ही चारों नाम है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इनके बारे में अगर बात किया जाए तो जो वासुदेव है कार्वायन जिनको बोला जाता है, कार्वा डायनेस्टी से रिलेटेड, और ये 9 ईयर तक इन्होंने शासन किया था। भूमिमित्र ने सबसे ज्यादा 14 ईयर तक के लिए किया था, नारायण ने 12 ईयर, और फिर बचा हुआ जो पार्ट था वो 10 साल तक के लिए सुशर्मन का शासन होता है। सुशर्मन के बाद अल्टीमेटली सिमुक जो कि सातवाहन डायनेस्टी का रहता है वो अटैक करके अल्टीमेटली इनको मतलब सातवाहन डायनेस्टी बना लेते हैं। तो भूमिमित्र रूल्ड फॉर पीरियड ऑफ 14 ईयर एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर एंड हिज सन नारायण रूल्ड फॉर 12 ईयर्स। द सातवाहन डायनेस्टी डिफीटेड द कार्वायन डायनेस्टी एंड एस्टैब्लिश्ड देयर एम्पायर एंड लास्ट कार्व किंग सुशर्मन वॉज किल्ड बाई सातवाहन या आंध्र किंग जिसका नाम था सिमुक। सिमुक ने इसकी हत्या कर दी थी और बेसिकली कार्वा डायनेस्टी का खात्मा कर दिया, एंड कर दिया, और फिर आ गया सातवाहन डायनेस्टी। तो सातवाहन डायनेस्टी के लिए ऑलरेडी आप लोगों ने ये मूवी देखी होगी गौतमीपुत्र शतकर्णी, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बोला था। देखिए मूवी को देखने से जो कैरेक्टर का नाम होता है वो और थोड़ी फीलिंग आ जाती है हिस्ट्री की, तो उससे पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है और साथ ही साथ जो है वो एक आइडिया भी बिल्डअप हो जाता है काफी अच्छे से। तो जो विजुअल चीजें होती हैं और जो ऑडियो वाली चीजें हो तो ज्यादा अच्छे से याद रहती हैं, ज्यादा दिन तक याद रहती है, जबकि वही अगर आप किसी चीज को रीडिंग हैबिट बना के रखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, तो उसके लिए आपको रिविजन करने की जरूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारी जो साइंस है वो रिस्पॉन्सिबल है, और जो कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बीच का डिफरेंस है वो भी विजुअल मीडिया को ज्यादा अच्छे से बताता है कि वो कॉन्शियस माइंड में रहता है। तो हम लोग जरा बात करते हैं वापस सातवाहन डायनेस्टी के बारे में। सातवाहन डायनेस्टी के बारे में एक तो ये जान लीजिए कि इनको आंध्र सातवाहन क्यों बोला जाता है। आंध्र सातवाहन इसलिए बोला जाता है क्योंकि पुराणास में इनको आंध्र के नाम से बोला गया, और सातवाहन जो है ये इंस्क्रिप्शंस में बोला गया। इंस्क्रिप्शंस का मतलब जो अभिलेख है उसमें सातवाहन बोला गया, जबकि पुराणास में आंध्र बोला गया, इसलिए इनका नाम आप आंध्र सातवाहन डायनेस्टी के नाम से इनको रेफर कर सकते हैं। तो सातवाहन रूल इज बिलीव टू हैव स्टार्टेड अराउंड 3rd बीसी, ऑल्दो इसमें भी कई लोगों का अलग अलग अपना थॉट है, अपना विचार है। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये जो है वो 1st सेंचुरी में आए हैं, मतलब 1st सेंचुरी BC में आए हैं, लेकिन कुछ लोग का कहना है नहीं 3rd सेंचुरी BC में ही ये लोग आ गए थे, बट ऑल दो स्कैटर्ड थे, अलग अलग फॉर्मेट में बटे हुए थे। सिमुक जो था इनका फाउंडर था ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी एंड देयर कैपिटल दो जगह पर थी, एक थी प्रतिष्ठानपुर जो कि महाराष्ट्र में है, और दूसरी थी अमरावती जो आज के आंध्र प्रदेश के एरिया में आती है, इनफैक्ट आंध्र प्रदेश की राजधानी होने वाली है। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट इनका जो रूल है वो 1st सेंचुरी BC में आया था, लेकिन खैर ये यहाँ पर जो है दोनों लोगों के बीच में अपना मतभेद है, आपस में दोनों जो होता है वो अलग अलग है, लेकिन आपको दोनों ही जानकारी रखिएगा। सातवाहन किंगडम चीफली कंप्राइज ऑफ मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि साउथ के एरिया में है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र का बेसिकली एरिया है। इनफैक्ट ये जो आंध्र प्रदेश का एरिया है पूरी तरीके से जब सिमुक था उस टाइम पे पूरा नहीं था, बल्कि एक यहाँ पर रूलर होते हैं वशिष्ठी पुत्र पुलुमई, वो जो है अटैक करके पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश को कब्जा करते हैं। फिर भी खैर अगर बात किया जाए तो इनका जो एरिया था वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इसके साथ ही कुछ पार्ट कर्नाटक
गुजरात और मध्य प्रदेश का भी था। द मेजर रूरल कौन कौन थे? एक तो शतकर्णी, शतकर्णी मतलब शतकर्णी वन भी बोल सकते हैं आप इसको, फिर उसके बाद से शतकर्णी टू थे, फिर हाल था, फिर गौतमी पुत्र शतकर्णी, और उसके बाद से वशिष्ठी पुत्र शतकर्णी, पुलवामी शिवश्री शतकर्णी या यज्ञश्री शतकर्णी, कई सारे और भी बाद में रूलर्स आते हैं। तो वन बाई वन करके जरा सबके बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे बात करने से पहले जरा हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में इनका जो सोर्स है वो क्या है। तो सोर्स के बारे में सबसे पहले तो अगेन वही पुराणाज में इनके बारे में बताया गया है कि हाँ आंध्र इनका नाम रेफर किया गया, आंध्र सातवाहन के नाम से, द नेम ऑफ द सातवाहन रूलर नोन एज द आंध्रास, जो कि पुराण में लिखा गया है। इसके अलावा कुछ इंस्क्रिप्शंस भी हैं जो अलग अलग लोगों के द्वारा बनवाए गए थे, इसलिए वो भी हमें ध्यान रखना है। जैसे पहला है नाना घाट इंस्क्रिप्शन। ये जो नाना घाट इंस्क्रिप्शन था, ये जो क्वीन थी नगनिका, उनके द्वारा बनवाया गया था, और ये क्वीन जो है बेसिकली किंग शतकर्णी की वाइफ थी, शतकर्णी, और वो भी शतकर्णी वन की वाइफ थी, और इन्होंने ही बेसिकली इस इंस्क्रिप्शन में बनवाया हुआ था। और यहां पर बताया हुआ था कि जो शतकर्णी वन है वो अश्वमेध यज्ञ करवाए हुए हैं, और हमारी जो सातवाहन डायनेस्टी की जो टेरिटरी है वो कितनी ज्यादा बड़ी है, तो ये बेसिकली नाना घाट में है। इसके अलावा नासिक इंस्क्रिप्शन भी है, जो कि गौतमी बलश्री, ये गौतमी के ही जो सन रहते हैं वही रहते हैं, गौतमी पुत्र शतकर्णी नाम बुलाता है शतकर्णी। नासिक अभिलेख में मतलब कि नासिक इंस्क्रिप्शन में गौतमी शतकर्णी बलश्री का पता चलता है। इनफैक्ट इस इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है कि जो शतकर्णी मतलब कि गौतमी पुत्र शतकर्णी जो था वो अपनी मदर गौतमी बलश्री से पूछ पूछ करके ही जो एडमिनिस्ट्रेशन या जो रूल करना था वो करता था, तो ये हमें नासिक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। इसके अलावा हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन भी है खारवेल का, जो बेसिकली कहां का है, ये है कलिंग का। मैंने आप लोगों को बोला था खारवेल के बारे में लास्ट क्लास में बताया था, और मैंने बोला था कि यहां की हाथियां काफी फेमस थी, और इसी के नाम पे हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन भी मिलता है। इनफैक्ट इस इंस्क्रिप्शन में मिलता है कि खारवेल ने शतकर्णी वन को हराया था, तो शतकर्णी वन को इसने हराया था खारवेल ने, ऑल्दो बाद में खारवेल की डेथ हो जाती है और कलिंग का एरिया शतकर्णी के द्वारा फिर कैप्चर कर लिया जाता है बाद में। इसके अलावा गिरनार इंस्क्रिप्शन भी है, जो कि रुद्रामन ने बनवाया था, और ये जो रुद्रामन था वो बेसिकली गुजरात के शक डायनेस्टी का था, अभी इसके बारे में हम लोग बात भी करेंगे, ठीक है आगे बात करते हैं। इसके बाद है इरागुड़ी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, अशोक के टाइम पर भी ये बनाया गया था। इसके अलावा कुछ चैत्य विहार भी हैं जो अगेन हमें सातवाहन डायनेस्टी के बारे में बताते हैं, और बताते हैं कि इन्होंने भले ही हिंदुइज्म को प्रमोट किया बट इन्होंने बुद्धिज्म को भी इक्वली प्रोटेक्ट किया हुआ है, जिसके कारण से आप देख सकते हैं कि नासिक में, कार्ले में और खानेरी में चैत्य गुफाएं बनवाए गए थे, जो कि बेसिकली बुद्धिस्ट मॉन्क के रहने के लिए और उनके जो भी पूजा पाठ है उनको करने के लिए बनवाया गया था। इसके अलावा कॉइन्स भी इस टाइम की काफी ज्यादा फेमस है, इनफैक्ट ट्रेड भी काफी ज्यादा होता था, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल रीजन है ओशियन पावर, इनके पास ओशियन पावर थी और इसी कारण से इनका ट्रेड भी होता था। अगर कुछ लिटररी सोर्सेस के बारे में बात किया जाए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है किसने क्या लिखा है, तो सबसे पहले है कथा सरित सागरम। तो कथा सरित सागरम जो है ये सोमदेव ने लिखा हुआ है, और यहां पर इन्होंने सातवाहन डायनेस्टी के बारे में सबसे पहले डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। इसके अलावा वृहत कथा गुणन्य के द्वारा लिखा हुआ है, कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा, और कातंत्र व्याकरण ये सर्व वर्मन के द्वारा लिखा हुआ है। तो इसके अलावा कुछ और भी फॉरेन अकाउंट्स भी है, जैसे मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में, प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री में, और इसके अलावा एक और ग्रीक लिटरेचर है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसमें डेमेट्रियस के बारे में भी बताया गया है, उससे भी हमें सातवाहन डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। तो ये जो स्लाइड है आप लोग इसको रट्टा मार के रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर योर एग्जामिनेशन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं वन बाय वन करके, शतकर्णी एंड ऑल दैट आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले सिमुक आता है, सिमुक बनता है राजा, और सिमुक के टाइम पे अगर टेरिटरी के बारे में बात किया जाए तो ये महाराष्ट्र के एरिया में, बेसिकली इस एरिया में ये फैले हुए थे। कौन? सातवाहन। इस साइड में कलिंग का इलाका था, दिस वॉज द कलिंग एरिया, और यहां पर शुंग डायनेस्टी मतलब कि शुंग के बाद तो कर्ण डायनेस्टी, उनको अटैक करके अल्टीमेटली ये एरिया फ्री कर दिए थे। ये एरिया शकास का था, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, शकास या फिर बोल सकते हैं कि ग्रीको शकास थे यहां पर,
ठीक है, ये एरिया जो थोड़ा मोड़ा था वो बेसिकली जो होता है वो इंडिपेंडेंट हो गया था। इंडिपेंडेंट का मतलब कि यहां पर दूसरे छोटे छोटे रूलर आकर के इकट्ठा हो गए थे। फिर इसके बाद साउथ में तो खैर अपना चेर, चोल, पांड्य ये इलाके अपने थे ही, इनके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। संगम लिटरेचर में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले। तो संगम लिटरेचर या फिर बोल सकते हैं कि साउथ इंडिया की हिस्ट्री, या फिर इसी को बोल सकते हैं हम लोग द्रविड़ियन हिस्ट्री, इसके बारे में हम लोग सेपरेटली क्लास डिस्कस करेंगे और बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे हम लोग। इसके बाद से क्या होता है कि जो हमारे सतकर्णी साहब है, सतकर्णी साहब के बाद मतलब कि सिमुक के बाद सतकर्णी राजा बनते हैं, लेकिन ये थर्ड नंबर के राजा रहते हैं और ये बेसिकली अटैक करते हैं कलिंग पर। कलिंग का उस समय राजा कौन रहता है? खारवेल। ये खारवेल जो है वो हरा देता है इनको, इनको जो सतकर्णी वन है, और साथ ही साथ में जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है उस पर ये चीज लिखवा देता है कि मैंने सतकर्णी को हराया था। ऑल दो बाद में खारवेल की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद अल्टीमेटली ये जो इलाका है ये भी इसी सातवाहन डायनेस्टी के ही अंडर में चला जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एरिया कैप्चर कर लिया गया और यहां से आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का एरिया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एरिया ये आ चुका है सतकर्णी वन के पास, यानी सातवाहन डायनेस्टी के पास में ये आ चुका है। थोड़ा सा इसके बारे में अगर देखें तो सतकर्णी वॉज द थर्ड सातवाहन किंग। इसकी जो रानी थी, मतलब इसका जो शादी हुआ था वो बेसिकली हुआ था किससे? इसकी शादी हुई थी रानी नयनिका से, ठीक है। सतकर्णी वॉज द फर्स्ट सातवाहन किंग टू एक्सपैंड इट्स एम्पायर बाय मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। देख सकते हैं आप अटैक किया हुआ है। ही कॉन्कर्ड कलिंग आफ्टर द डेथ ऑफ खारवेल। तो पहली बार हार गया था, सेकेंड टाइम में कॉन्कर कर लिया था। ही ऑल्सो पुश्ड बैक द शुंग इन पाटलिपुत्र। ही ऑल्सो रूल्ड ओवर मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश के एरिया में, विदिशा के एरिया में भी जाकर के अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर रहा था। आफ्टर एनेक्सिंग द गोदावरी वैली ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ दक्षिणापथ का राजा या फिर लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो ये टाइटल है काफी इंपॉर्टेंट है कि ये दक्षिणापथ का स्वामी या फिर लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ इसको बोला जाता है। इसके अलावा प्रतिष्ठानपति भी इसको बोला जाता है क्योंकि इसकी जो राजधानी है वो प्रतिष्ठान है, तो प्रतिष्ठानपति भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा इसका टाइटल सतकर्णी तो इसका नाम ही है, इसके अलावा पश्चिमपति का भी इसको टाइटल है। दिस इज द पश्चिम, पश्चिमपति, ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट वाला पश्चिमपति। हिस्क्यून नयनिका हु रोट द नानाघाट अभिलेख, नानाघाट इंस्क्रिप्शन विच डिस्क्राइब द किंग एज दक्षिणापथपति, ठीक है। तो ये बेसिकली दक्षिणापथपति के नाम से जाना जाता था। तो ये बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा, आगे अगर देखेंगे तो इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया हुआ था और वैदिक ब्राह्मणिज्म को इसने डेक्कन में रिवाइव किया था। नेक्स्ट जो रूलर बनता है वो बनता है सतकर्णी टू। सतकर्णी वन के बाद सतकर्णी टू आता है, लेकिन इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद से नेक्स्ट रूलर आता है हाल, ये एक्चुअली सेवेंथ नंबर का ये रूलर रहता है, तो सेवेंथ नंबर का ये किंग रहता है। तो ये जो हाल रहता है ये बेसिकली अगेन आसपास के इलाके को ये भी अगेन विजिट करता है, आसपास के इलाकों में अटैक करके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करके बेसिकली जीत रहा होता है। हाल ने बेसिकली लिटरेचर रिलेटेड ज्यादा काम किए हुए हैं, तो लिटरेरी वर्क इसके जो है, जैसे एक लिटरेरी वर्क है इसका गाथा सप्तशती, तो गाथा सप्तशती इसने कंपाइल किया था। एंड ही कॉल्ड दिस एज गाथा सप्तशती इन द प्राकृत, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पोयम एंड मोस्टली लव एज द थीम। अराउंड 40 ऑफ द पोयम्स आर एट्रिब्यूटेड टू हॉल हिमसेल्फ, अपने लिए ही उसने लिखा हुआ है। इसके अलावा जो होता है इसका जो मंत्री था गुणाद्य, ये वृहत कथा भी लिखा हुआ था जो कि अगेन हम लोगों ने अपने सोर्सेज में पढ़ा हुआ था। इसके बाद से इंपॉर्टेंट रूलर आता है जो रहता है गौतमी पुत्र सतकर्णी, और इसी के लिए आपने मूवी भी देखा होगा। ये काफी स्ट्रांग रूलर था और काफी ज्यादा कह लीजिए कि धर्म को लेकर के या कह लीजिए कि आइडियलिज्म को लेकर के ये चलता था। He considered the greatest king of the Satavahan dynasty. He defeated Greek Pahla. अब देखिए यहां पर बेसिकली ग्रीक्स थे, ये ग्रीक्स थे और इसी ग्रीक ने अटैक करके इस इलाके को भी अपना कब्जा कर लिया था और यहीं पर रहता था, यहीं पर का जो राजा था नहपान था, और इसी नहपान ने मूवी में दिखाया हुआ है कि बच्चों को कैद कर लेता है और इसी को लड़ने के लिए, इसी को कैप्चर करने के लिए अल्टीमेटली सतकर्णी मतलब कि गौतमी पुत्र सतकर्णी जाता है और अटैक होता है। ये नहपान ऑब्वियसली शक है, तो शक रहेगा तो सीधी सी बात है कि बाहर के लोगों को भी ये अटैक
करने के लिए इनवाइट करेगा। तो बाहर के लोग जो इसके बाद में डिमेट्रियस के बाद में डिमेट्रियस के जो डायनेस्टी वाले लोग हैं जो कि ऑलरेडी राजस्थान के एरिया में आ चुके हैं वो फिर इनवाइट किए जाते हैं शकास के द्वारा और वही डिमेट्रियस के बारे में बताया गया है। लेकिन ये डिमेट्रियस बेसिकली डिमेट्रियस फोर रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ही डिफीटेड ग्रीक पल्लव एंड द शकास। हिज किंगडम रैन फ्रॉम कृष्णा इन द साउथ टू मालवा एंड सौराष्ट्र इन द नॉर्थ फ्रॉम बिरार टू द ईस्ट ऑफ कोंकण इन द वेस्ट। तो बेसिकली इसने अपना एरिया ये पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया था। तो ये पूरा जो एरिया देख सकते हैं आप, ये जो है गौतमीपुत्र शतकर्णी का एरिया हो गया था, जहां पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक का भी कुछ पार्ट और साथ में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एरिया था। हालांकि आंध्र प्रदेश का पूरा एरिया कैप्चर्ड नहीं था, साउथ के कुछ पार्ट बच गए थे और इस साउथ की ये जो पार्ट है इसको इसके बेटे वशिष्ठी पुत्र पुलवामी ने अटैक करके बेसिकली कैप्चर किया था। He defeated Nahpan as the important king of the western Kshatrap. देखिए ये जो Kshatrap लिखा हुआ है, it is a kind of clan in the Shaka dynasty. तो Kshatrap यहाँ पर या शहरात भी इनको बोलते हैं, शहरात डायनेस्टी और एक और कादर्मक डायनेस्टी थी, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे शकास के बारे में जब हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली दो तरीके की यहाँ पर डायनेस्टी थी, वन वॉज द कादर्मक, दिस इज कादर्मक एंड सेकेंड वॉज इज द शहरात। तो Kshatrap, यहाँ पर जो होता है Kshatrap, और Kshatrap भी इनके मतलब कि जो राज्य था उसको ये लोग Kshatrap बोला करते थे। तो ये थी बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ बेसिक से डिस्कशन देखेंगे आगे शकास को लेकर के। और इन्होंने जो गौतमीपुत्र शतकर्णी है, इन्होंने अपने आप को एक ब्राह्मणा कहा है, मतलब कि इन्होंने बेसिकली सिंगल नेशन और इंडियन नेशन के बारे में इन्होंने चर्चा की थी। और इन्होंने बेसिकली क्या है कि जितने भी फॉरेन और बाहर के लोग हैं उनको इंडिया से आप बाहर रहने के लिए बेसिकली कहा। उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग यहाँ पर जो रह रहे हैं, जैसे भी रह रहे हैं वैसे हम लोग रहेंगे, बट बाहर के लोग हमारे इस भारतवर्ष में, आर्यावर्त में नहीं आने चाहिए। हिज मदर वॉज गौतमी पुत्र बलश्री, गौतमी बलश्री एंड हेंस हिज नेम गौतमी पुत्र, मतलब कि ये अपनी जो मदर है और मदरहुड जो है उसका काफी ज्यादा ये रेस्पेक्ट करते थे। और उन्होंने एक यहां से एक ट्रेडिशन चला दिया कि आगे जितने भी रूलर या जितने भी किंग होंगे वो अब अपनी मदर के नाम से जाने जाएंगे, यानी कि गौतमी पुत्र शतकर्णी हो गया, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी हो गया, शिवश्री पुत्र पुलवामी हो गया, इसी तरीके से आगे यज्ञश्री पुत्र आगे बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग रूलर आते हैं, अपने मदर के नाम से वो आगे फेम हो रहे होते हैं। तो ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, और इसी का नाम पुलवामी टू रहता है। इसके दूसरा भी एक बेटा रहता है जिसका नाम रहता है श्रीविश्री शिवश्री शातकर्णी। ठीक है, वन बाय वन करके जरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के बारे में फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। इसको अगेन दक्षिणा पथेश्वर बोला जाता है, दिस इज जैसे दक्षिणा पथ कहा गया था उसको शतकर्णी को, वैसे ही इसको बुलाता है दक्षिणा पथ, दक्षिणा पथेश्वर। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे इसको ऑब्वियसली ये गौतमी पुत्र शतकर्णी का जो था वो बेटा था, और इसने क्या किया, आंध्र प्रदेश के एरिया को कैप्चर कर लिया था। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए यहां पर लिखा नहीं हुआ है स्लाइड में, इसलिए आप इस चीज को इंटीग्रेट कर लीजिएगा अपने साथ में। इसने आंध्र प्रदेश को पूरी तरीके से अपने टेरिटरी में मिला लिया था। तो ही एनेक्स्ड होल आंध्र प्रदेश इनटू हिज एम्पायर। लेकिन इसके साथ खेल क्या हो रहा है जरा ये ध्यान से सुनिएगा। गौतमी पुत्र शतकर्णी ने किसको हराया था, शक रूलर क्या नाम था उसका, Nahpan, हरा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर शक का जो बेटा था रुद्रामन, अब ये आएगा, अब ये बेसिकली कब्जा करने मतलब कि कह लीजिए कि जो होता है वो बदला लेने के लिए आएगा। तो अब ये जो बदला लेने के लिए आता है तो इस समय इसका बेटा वशिष्ठी पुत्र पुलवामी ये बन जाता है राजा। रुद्रामन इसको एक नहीं दो बार हराता है, तो टू टाइम्स ये डिफीट किया। ये जब वशिष्ठी पुत्र हार जाता है और जब गौतमी पुत्र शतकर्णी ये देखता है कि यार ऐसा है कि आगे हमारी डायनेस्टी को बड़ा खतरा है, तो ये अपना बुद्धि लगाता है, ये अपने डिप्लोमेटिक तरीके पे आता है और कहता है कि वशिष्ठी पुत्र क्योंकि ऐसा है
कि तुम इसके डॉटर से शादी कर लो, मतलब कि शकास के साथ में मैरिटल रिलेशन बना लो। लेकिन अगेन वही जो वशिष्ठ पुत्र रहता है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है बिकॉज ऑफ द डिफीट। और इस कारण से जो गौतमी पुत्र का दूसरा बेटा रहता है जिसका नाम रहता है शिवश्री सातकर्णी, जिसका नाम है शिवश्री सातकर्णी, ये इसका जो शादी है, इसकी जो कह लीजिए शादी है, वो रुद्रामन के डॉटर से कर दिया जाता है। और इस तरीके से बेसिकली इन दोनों के बीच में मैरिटल रिलेशन हो जाता है। और इस मैरिटल रिलेशन के कारण से अब यहां पर पीस हो जाता है, शांति हो जाती है। और इस तरीके से यहाँ पर जो वशिष्ठी पुत्र पुलवमी है उसका जो राज्य है वो खत्म होता है। इसके बाद से फिर जो आगे बढ़ते हैं उसमें एक लास्ट फेमस रूलर होता है जिसका नाम रहता है यज्ञश्री सातकर्णी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि ये लास्ट है लेकिन लास्ट इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट रहता है, अंतिम जो शासक है, उसका नाम है पुलवमी थ्री। दिस इज द पुलवमी थ्री रहता है, ठीक है। इसके बाद में आता है 400 साल तक का शासन है भाई, सीधी सी बात है, बहुत लंबे कई सारे राजा आएंगे। अब यहां पर आता है यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी अगेन इंपॉर्टेंट रहता है। और रुद्रामन जब ये डेथ हो जाती है तो उसके बाद से ऑब्वियसली मैटरल रिलेशन बनी चुके हैं, तो एक फैमिली लीनियज हो गई है। तो इस कारण से जब रुद्रामन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद से रुद्रामन का जितना अंपायर रहता है उसको भी ये यज्ञश्री अपने अंदर, मतलब अपने ही टेरिटरी में एनेक्स कर लेता है। और इस तरीके से जो राज्य है, जो स्टेट है, जो टेरिटरी है, उसका एक्सपेंशन हो जाता है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब यज्ञश्री ये इसकी यज्ञश्री की डेथ हो जाती है तो उसके बाद के जितने भी रूलर रहते हैं वो बड़े वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। और इस कारण से ऑब्वियसली टेरिटरी का क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। ऐसा देखा गया है कि जब जब टेरिटरी जो है काफी बड़ी होती गई है और रूलर वीक होता गया है तो वो टेरिटरी डिसइंटीग्रेट हो गई है। जैसे कि यूएसएसआर भी टेरिटरी काफी ज्यादा बड़ी थी, ऑब्वियसली इसमें कल्चर कई सारे आ गए थे, तो इस वजह से डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर भी हो गया है। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट इन द न्यूर फ्यूचर चाइना कैन ऑल्सो डिसइंटीग्रेट इन सेवरल स्मॉलर टेरिटरीज। बहुत सारी छोटे छोटे टेरिटरी में टूट सकता है, जैसे एक वैगूर कम्युनिटी हो गई, हांगकांग हो गया, मकाऊ हो गया, साउथ चाइना सी के पास में छोटे छोटे आइलैंड्स, वो भी अपना इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो इस तरीके से यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि चाइना भी बाद में डिसइंटीग्रेट हो जाए। अभी तो खैर जो भी है जैसा भी है बाद में हो सकता है। अगर यहां पर अगर बात करते हैं कि सातवाहन डायनेस्टी अल्टीमेटली किस तरीके से डिसइंटीग्रेट हुई, जो कि हमारे आगे नेक्स्ट क्लास के लिए हमारा टॉपिक बनते जाएंगे, तो देखिए यहां पर एक छोटा सा एरिया था जो बेसिकली प्रतिष्ठानपुर का था, प्रतिष्ठानपुर। इस प्रतिष्ठानपुर में बेसिकली सातवाहन डायनेस्टी छोटी सी बच गई थी, जहां पर पुलवमी थ्री ये राज्य कर रहा था। तो पुलवमी थ्री ऑल दो बाद में इस पर भी अटैक करके कैप्चर कर लिया जाता है। इसके एक साइड में, मतलब कि इधर ये जो साइड है, साइड नंबर वन, यहां पर वकाटक डायनेस्टी आ जाती है। तो वकाटक डायनेस्टी, क्लियर हो गया, ये वकाटक डायनेस्टी, इसको बोला था विदर्भ की वकाटक डायनेस्टी, विदर्भ की वकाटक डायनेस्टी। लेकिन इनकी टेरिटरी यहीं तक रहती है। साउथ में आपको पता ही है चोल चेर पांड्य चल रहे हैं, तो यहां तक की टेरिटरी को हम डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं। इसके इस साइड में नंबर टू पे जो टेरिटरी आ गई थी वो आ गई थी पल्लव की। तो ये जो है पल्लवास के बारे में यहां पर हम लोग बात करेंगे, अगेन साउथ इंडिया के ही टेरिटरी में इसको भी बात करेंगे। आंध्र प्रदेश के पास में इस छोटे से इलाके में नंबर थ्री पर इक्ष्वाकु डायनेस्टी आ गई थी, इक्ष्वाकु डायनेस्टी। ऑल दो ये देखिए इक्ष्वाकु डायनेस्टी बहुत ज्यादा पुरानी है, इनफैक्ट इक्ष्वाकु डायनेस्टी में ही जो हमारे लॉर्ड राम है जिनके लिए रामायण लिखी गई है वो भी इक्ष्वाकु डायनेस्टी के ही 81वें रूलर थे। अब आप समझ सकते हैं इक्ष्वाकु डायनेस्टी कितनी ज्यादा पुरानी है। जो हमारे बुद्ध जी भी हैं, गौतम बुद्ध, ये भी इक्ष्वाकु डायनेस्टी से ही थे। तो एक ये काफी ज्यादा बोल सकते हैं दिस इज द क्षत्रिय डायनेस्टी के, क्षत्रिय वर्ण के ये एक इक्ष्वाकु डायनेस्टी जो बहुत पहले से थी। बीच में जो है वो अगेन कई सारे रूलर के कारण से दब गई, लेकिन फिर वापस से ये आंध्र इक्ष्वाकु के नाम से वापस से लोग निकल करके आए। छोटी सी डायनेस्टी है, कुछ 5-10 मिनट का डिस्कशन है, हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। बाद में हालांकि क्या होता है कि जो पल्लव रहते हैं काफी ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं और यही बेसिकली इस पूरे के पूरे एरिया पे, चाहे वो इक्ष्वाकु डायनेस्टी हो, चाहे वो प्रतिष्ठानपुर हो, चाहे वो वकाटक डायनेस्टी, इस पूरे एरिया पर
पल्लव अपना अटैक करके अपना पूरा का पूरा कब्जा कर लेते हैं, लेकिन इस पल्लव के बाद आ जाते हैं चालुक्य, और ये चालुक्य बेसिकली अपने आप को फिर राइज कर लेते हैं। चालुक्य जो है वो बेसिकली तीन एरिया के रहते हैं, एक रहते हैं जो बादामी के चालुक्य होते हैं, फिर इसी तरीके से वेस्टर्न चालुक्य होते हैं, और फिर एक और ईस्टर्न चालुक्य होते हैं। ईस्टर्न चालुक्य इस इलाके में आ जाते हैं, दूसरा वातापी के चालुक्य इनको बुलाता है, फिर वेस्टर्न चालुक्य होते हैं जो कि गुजरात के होते हैं, एंड लास्टली बादामी के चालुक्य होते हैं जो कि बेसिकली साउथ वाले साइड में अपने आप को कैप्चर करके एक्सपैंड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल कैसे ये सातवाहन डायनेस्टी डिसइंटीग्रेट हो रही है और उसके फ्यूचर में क्या हो रहा है, एक समझ में आई चीजें, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे क्या सिस्टम हुआ है। अब जरा हम लोग देख लेते हैं कि ये जो सातवाहन डायनेस्टी इसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, एंड दिस इज जो भी हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है, आर्ट एंड कल्चर वाले सिस्टम में यही आपसे क्वेश्चन आता है। देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि अगर अगेन अगर मैं केवल और केवल नाम नाम किंग का रूलर का नाम बताऊंगा तो ऑब्वियसली इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेमोराइज ऑल द फैक्ट्स, एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू नो अबाउट द किंग्स ऑल्सो। तो एक आइडिया लग जाता है, उससे क्या है कि कंटिन्यूएशन और एक लिंक बन जाता है, तो उससे अगेन समझने में भी मजा आता है और इंटरेस्ट भी आता है और हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग बन जाती है। बाकी थोड़े मोड़े मूवी कैरेक्टर्स एक्टर्स का भी मैं फोटोग्राफ ले रहा हूँ जिससे और ज्यादा इंटरेस्टिंग बने। आई होप आप लोगों को ये पसंद भी आ रहा होगा। चलिए खैर आते हैं पॉलिटिकल सिस्टम पे और देखते हैं क्या चीज है। देखो अकॉर्डिंग टू मत्स्य पुराण, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला है कि जो पुराण है उसमें सातवाहन का नाम आंध्र डायनेस्टी के नाम से एक्सप्लेन किया गया है, इनको मेंशन किया गया है। तो सात जो मत्स्य पुराण है इसमें, मत्स्य पुराण के बारे में ध्यान रखिएगा, दिस इज द फर्स्ट रिटन पुराण, पहला पुराण है जो लिखा गया था। तो डायनेस्टी वॉज रूल्ड बाय 30 किंग फॉर 400 रूलर्स फ्रॉम द 400 ईयर्स, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। द डायनेस्टी वॉज founded by Simuk, they set up their power in the upper Godavari river and gradually extended their power over Karnataka and Andhra Pradesh. Their tough competitor were Shakas, जिसको लेकर के already नहपान के बारे में हम लोग discuss कर ही लिया, और नहपान के साथ में और इनफैक्ट उसके बेटे के भी साथ में रुद्रामन के साथ में भी लगातार tough competition देखने को मिला था, although बाद में marital relation में बदल गया था। हालांकि बाद में गौतमीपुत्र शतकर्णी ने इनको defeat किया ही था। The successor of Gautamiputra ruled till 220 AD. Immediate successor of Gautamiputra कौन थे? Vashishthiputra Pulvami. Gautamiputra Shatkarni के बाद Vashishthiputra Pulvami. And he set up capital at Paithan या फिर प्रतिष्ठान in the Aurangabad district. Shakas rule got revived. Rudraman ने फिर सातवाहन पर defeat किया था. Although बाद में जो होता है marital relation हो गया। अल्टीमेटली यज्ञेश्वरी सतकर्णी एक इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं जो कि लॉस्ट टेरिटरी को रिकवर करते हैं फ्रॉम द नॉर्थ कोंकण एंड द मालवा फ्रॉम द शका रूलर। तो शक रूलर से ये थोड़े मोड़े जो भी चीजें हैं उसको और कैप्चर कर लेते हैं। इनफैक्ट रुद्रामन के मृत्यु के बाद, डेथ के बाद उस एरिया पर ये कैप्चर कर लेता है और उस तरीके से अपने टेरिटरी को अगेन एक्सपैंड कर लेता है। थोड़े से एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप थी वो बेसिकली मौर्यन टाइप की थी। Obviously, ये इलाका भी काफी ज्यादा एक्सपैंड, काफी स्ट्रॉन्ग रूरल है, सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो ऑब्वियसली सिस्टम भी कैसा रखेंगे, मॉरियन टाइप का ही रखेंगे। तो रूलर्स जो हैं, दे स्ट्रोव फॉर द आइडियल सेट वर्थ इन धर्मशास्त्र को ये फॉलो करते थे, एंड दे आर अपहोल्डर ऑफ द धर्म। जैसे ऐसा मूवी में भी इनफैक्ट आपने देखा होगा, कहा गया है कि राजधर्म का मतलब ही होता है कि वो अपने टेरिटरी की प्रोटेक्शन करे और युद्ध लड़े, मतलब कि वॉर करे। तो वहां से आप देख सकते हैं दिस इज बेसिकली धर्म। इनफैक्ट रामायण में भी आपने देखा होगा कि जो लॉर्ड राम है उन्होंने भी बोला था कि राजधर्म अलग धर्म होता है और वो बेसिकली एक किंग या फिर रूलर का होता है। इन्होंने बाद में जो है कई सारे अश्वमेध यज्ञ वगैरह भी करवाए हुए थे। तो द ट्रेसेस ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वर ऑल्सो फाउंड हियर। डिस्ट्रिक्ट को आहार बोला जाता था, जैसा कि मौर्यन टाइप पर भी बोला जाता था। ऑफिशियल्स को अमात्य या महामंत्राज कहा जाता था। मिलिट्री और फ्यूडल एलिमेंट भी अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ही पाए जाते थे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूरल एरिया वॉज प्लेस्ड इन द हैंड्स ऑफ गौलमिक हेड ऑफ द मिलिट्री रेजिमेंट। काकात्य और स्कंधर्व मिलिट्री कैंप सर्व्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। जैसे काकात्य जो है ये आंध्र प्रदेश मतलब कि तेलंगाना के एरिया में आता है और ये बेसिकली वहां पर एक मिलिट्री कैंप के रूप में था। हालांकि बाद में काकातिया डायनेस्टी भी छोटी सी उठ करके आई थी और इसी काकातिया डायनेस्टी के नाम पर तेलंगाना में एक काकातिया इरिगेशन प्रोजेक्ट भी चलाया गया है।
तो इस तरीके से आप लिंक करके अगर आप पढ़े रहेंगे तो ऑब्वियसली आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इन योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन. रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स हैड एन एसेंशियल रोल इन इंश्योरिंग बेटर सोशल ऑर्डर. क्लियर. अब थोड़ा सा सोसाइटल स्टेटस के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरीके का सिस्टम है. सातवाहन बेसिकली ब्राह्मणाइज्ड ट्राइब थे और यहां पर जो फेमस किंग गौतमीपुत्र शतकर्णी था, इसने वापस से जो चार फोल्ड मतलब फोर फोल्ड वर्ल्ड सिस्टम था उसको री एस्टैब्लिश किया था. इससे पहले जितने भी लोग थे वो बेसिकली एक मिक्स्ड स्ट्रक्चर लेके चल रहे थे. जैसे हम लोगों ने देखा था कि मौर्य पीरियड में भी सेवन टाइप ऑफ वर्ल्ड सिस्टम हो गई थी, जहां पर चार तो है ही और साथ में तीन जो है वो मिक्स्ड वर्ल्ड टाइप की हो गई थी. ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनी इंडिजिनस एंड फॉरेन ट्राइब्स वर ब्रॉट इन टू वर्ल्ड फोल्ड. सातवाहन वर द फर्स्ट रूलर टू मेक लैंड ग्रांट टू द ब्राह्मणास. इंपॉर्टेंट है ये ध्यान में रखिएगा, ब्राह्मणों को सबसे पहले अपनी जमीन दान में देना, ग्रांट में देना, ये पहला काम मतलब कि ये जो शुरुआत है वो सातवाहनों ने ही की थी. वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर कि सातवाहन अपनी जो जमीन थी वो ब्राह्मणों को दिया करते थे एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क को भी ये देते थे. इंक्रीजिंग क्राफ्ट एंड कॉमर्स क्रिएटेड आर्टिजन एंड मर्चेंट. तो इस तरीके से जो शूद्र थे बेसिकली वही है आर्टिजन और मर्चेंट थे और उनकी जो पोजिशन थी इन द सोसाइटी वो इंप्रूव की. तो ये बेसिकली इंप्रूवमेंट इन द सोशल स्टेटस ऑफ द शूद्रास देखने को मिलता है. दिस ग्रुप्स वर प्रॉस्परस एंड दे मेड ह्यूज डोनेशन टू द बुद्धिस्ट कॉज. सातवाहन शो ट्रेसेस ऑफ मैट्रिलिनियल सोसाइटी, क्योंकि नाम से ही पता चलता है, लेकिन अगेन ये पैट्रियार्कल थे क्योंकि अगेन जो भी राजा था वो राजा बेटा ही बनता था, कोई भी मेल मेंबर ही बनता था, कोई फीमेल मेंबर नहीं बनता था. क्लियर हो गया. थोड़ा सा रिलीजन के बारे में बात कर लिया जाए तो देखिए यहां पर हिंदुइज्म को ऑब्वियसली प्रमोशन किया जा रहा है, लेकिन अगेन एट द सेम टाइम बुद्धिज्म को भी प्रोटेक्शन दी जा रही है. तो सातवाहन रूलर क्लेम टू हैव बीन ब्राह्मणास. किंग एंड क्वीन परफॉर्म द वैदिक सैक्रिफाइसेस सच एज अश्वमेध, वाजपेय यज्ञ सब करवाते थे. वर्शिप्ड गॉड सच एज कृष्णा, वासुदेव एंड अदर्स. महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म ये कमांडेड कंसिडरेबल फॉलोइंग स्पेशली इन द आर्टिजन क्लास ड्यूरिंग दिस पीरियड. इसके अलावा स्तूप भी बनवाए गए थे बुद्धिस्ट लोगों के लिए, जैसे नागार्जुन कोंडा का हो गया, अमरावती का हो गया. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्रॉपर्टीज हैं सातवाहन की. अब जरा इकोनॉमिक के बारे में बात कर ले तो देखिए यहां पर आपको इकोनॉमिक स्टेटस भी काफी स्ट्रांग देखने को मिलेगा क्योंकि इनके पास ओशियन या फिर नेवल पावर थी, तो इनका ट्रेड भी होता था और ट्रेड होने के कारण से ही इनमें कई तरीके के एलिमेंट्स, लोकल एलिमेंट्स और नदन इंग्रेडिएंट्स का फ्यूजन देखने को मिलता है. मटेरियल कल्चर इज कैरेक्टराइज्ड विद मेगालिथ बिल्ड, यूजेज ऑफ आयरन, बोन्ड ब्रिक, रिक वेल एंड प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर देखने को मिलती है. इसके अलावा कई सारे और भी हथियार के फॉर्मेट में देखने को मिलता है. पैडी ट्रांसप्लांटेशन है. देखिए यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आप अपने थोड़ी सी ज्योग्राफी के नॉलेज से ही समझ पाएंगे. देखिए यहां पर क्या है, ब्लैक सॉयल है, पता ही आप लोगों को, और ये भी पता है कि ब्लैक सॉयल इज वेरी इंपॉर्टेंट और सूटेबल फॉर कॉटन क्रॉपिंग. इसके अलावा पैडी के लिए भी काफी अच्छा है. तो आपको ये दोनों के दोनों क्रॉपिंग इस सिस्टम में भी यहां पर देखने को मिलेगी. दे प्रोड्यूस द कॉटन. क्लियर. इसके अलावा दे एक्सप्लॉइटेड द आयरन ओर ऑफ करीमनगर एंड वारंगल. क्यों? क्योंकि यहां पर हमें आयरन के भी स्टोर मिलते हैं. जैसे हमें कर्नाटक के कोलार से गोल्ड मिलती है, तमिलनाडु के पास से और आंध्र प्रदेश के पास से हमें आयरन के भी स्टोर्स या आयरन के ही रिजर्व मिल जाते हैं. तो यहां से ऑब्वियसली इन इलाकों को निकाल लेंगे. बट गोल्ड के अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा सोर्स मिल गए और अगर हम बाहर से नहीं ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हम गोल्ड की कॉइन बनाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास सोर्स ही ज्यादा नहीं होगा तो क्या हम बनाएंगे क्या? ऑब्वियसली नहीं बना पाएंगे, और या तो हम बाहर से इंपोर्ट करके तब मंगाएं, बट दिस इज नॉट गुड क्योंकि यहां पर तो ये लोकल एलिमेंट्स और नदन इंग्रेडिएंट मतलब एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत टाइप की बात ये करते थे, तो लोकल प्रोटेक्शन दे रहे होते थे. तो इस वजह से यहां पर ये गोल्ड के कॉइन्स नहीं चलाते थे क्योंकि गोल्ड उतना ज्यादा नहीं था. तो दे इश्यूड पॉटेन कॉपर ब्रॉन्ज कॉइन्स, लेकिन इसमें कहीं पर भी हम लोग ने गोल्ड कॉइन नहीं देखा. दिस कॉइन ऑफ दिस डायनेस्टी आर कॉल्ड एज कर्श पंड्स. ठीक है, तो जैसे पण के बारे में हम लोगों ने देखा था, पणास ये जो है वो मौर्यन टाइम पे चल रही थी, लेकिन यहां पर ये कर्श पण बोला जाता था, लेकिन कर्श पण ध्यान रखिएगा गोल्ड नहीं था. दे यूज्ड गोल्ड एज बुलियन, लेकिन इन्होंने कॉइन इशू नहीं किया था, दे डिड नॉट इशू गोल्ड कॉइन्स. एट करीमनगर डिस्ट्रिक्ट वी फाउंड यूज ऑफ फायर बेक्ड ब्रिक्स, फ्लैट एंड परफोरेटेड रूफ टाइल्स.
इसके अलावा भी कुछ और भी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे ईस्टर्न डेक्कन में इन्होंने 30 वॉल्ड टाउन्स बनवाया और कई सारे और भी छोटे छोटे विलेज वगैरह बनवाए हुए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड अगर बातें की जाए तो मेनी टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज बनवाए गए थे इस समय, और ये ऑब्वियसली रॉक कट स्ट्रक्चर्स ही हैं जो कि चैत्य विहार, जैसे हम लोगों ने गुफा को देखा था ना, भारहत की हो गई, सांची की हो गई, या फिर अलग अलग लोमर्षि केव भी देखा था हम लोगों ने, बराबर केव्स देखा, तो ये वही केव्स उसी तरीके की ही ये भी चीजें बनवाते थे, जैसे चैत्य कार्ले का हो गया, नासिक का हो गया, तो ये यहां पर भी इसी तरीके की चैत्य और विहार इनके द्वारा बनवाए गए थे, लाइक कार्ले चैत्य इज द मोस्ट फेमस। इसके अलावा नासिक में भी इन्होंने 3 चैत्य बनवाए हुए थे, और ये बेसिकली विच कैरी द इंस्क्रिप्शंस ऑफ नहपान एंड गौतमी पुत्र। द पीरियड ऑल्सो सॉ इंडिपेंडेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्तूपा, द मोस्ट फेमस स्तूपा जो कि अमरावती और नागार्जुन कोंडा में है, काफी इंपॉर्टेंट है। लास्टली हम लोग देख लेते हैं जरा लिटरेचर्स के फॉर्मेट में, ऑलरेडी हम लोगों ने लिटरेचर्स इन आवर सोर्सेज ऑफ द सातवाहन के में भी डिस्कस किया था, बट थोड़ी सी कंप्लीशन ले लेते हैं। तो द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सातवाहन क्या होगी, ऑब्वियसली प्राकृत होगी क्योंकि इसी समय यही चल रही है, तो दे फॉलोड ब्राह्मी स्क्रिप्ट, प्राकृत टेक्स्ट गाथा सप्तशती इज एट्रीब्यूटेड बाय द हॉल, तो हम लोगों ने देखा था हॉल ने लव स्टोरीज लव पोएम्स लिखी थी, वही गाथा सप्तशती है जो अपने लिए उसने बेसिकली लिखा हुआ था। तो ये थी बेसिकली आज की पूरी डिस्कशन गौतमी पुत्र शतकर्णी और सातवाहन डायनेस्टी के बारे में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, थोड़ी सी बाहर में अगेन चलेंगे हम लोग, देखेंगे कि आखिर में जो पार्थियंस हैं और जो शकाज हैं वो किस तरीके से इंडिया में आए, और उसके बाद से फिर हम लोग आगे बात करेंगे कनिष्क को लेकर के, और कनिष्क के बाद हम लोग आ जाएंगे छोटी छोटी जो डायनेस्टीज हैं, इक्ष्वाकु डायनेस्टी या फिर आपके पल्लव डायनेस्टी और साथ साथ में वाकाटक डायनेस्टी। एक काम करते हैं, कल फिलहाल वाकाटक डायनेस्टी और ये छोटी छोटी जो डायनेस्टीज है उनको कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद से आउटसाइड इंडिया के बारे में बात करेंगे, और फिर अल्टीमेटली हम लोग आ जाएंगे साउथ इंडिया की चीजों पे, और फिर आगे हम लोग बात करेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में। तो ये थी पूरी आज की डिस्कशन, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो ऑब्वियसली इन चैनल्स का यूज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल और बाकी सारी चीजों की लिंक दी हुई है। मटेरियल डाउनलोड करने के लिए अगेन टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, वहीं पे मटेरियल अवेलेबल है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।